चंदौली में जीआरपी डीटीओ को मिली सफलता। ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। छह लोगों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। 6 लाख से ज्यादा के आभूषण बरामद। जीटीआर ब्रिज के पास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली में जीआरपी डीडीओ को मिली बड़ी सफलता। ये जो स्टेशन है और स्टेशन के आसपास के एरिया में चोरी और लूट के अपराध बढ़ गया था। इस संबंध में हमारे पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी ने एक टीम गठित किया था, जिसमें वाराणसी कैंट जीआरपी, आरपीएफ डीडीयू और जीआरपी डीडीयू की संयुक्त टीम बना करके पतारसी सुरागसी की जा रही थी। कल रात्रि में ये लोग जीटीआर ब्रिज के पास मुखबिर सूचना में पकड़े गए हैं, जिसमें 3 अभियुक्त हैं और इन अभियुक्तों में 2 पति-पत्नी हैं। इन लोगों के पास से ज्वेलरी और मोबाइल बरामद हुआ है। सपा बूथ अध्यक्ष और कार्यालय सचिव से मिलेंगे अखिलेश यादव। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सपा अध्यक्ष से मांगा था मिलने का समय। 2004 से सपा कार्यालय में कार्यरत है बूथ अध्यक्ष और कार्यालय सचिव। बूथ अध्यक्ष ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। वायरल वीडियो को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। पूर्व में जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का समय मांगा है। उस संज्ञान को, मामले को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से इस संबंध में वार्तालाप हुई। जिला अध्यक्ष जी ने मुझे फोन करके बताया है कि मैं आगामी 6 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले वार्ता करेंगे। को पड़ा भारी। मां के साथ जा रही लड़की को शोहदे ने छेड़ा। चिल्लाने पर राहगीरों ने युवक को पकड़ा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नजीराबाद थाना क्षेत्र के नेहरू नगर इलाके की घटना। सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे अयोध्या। पुलिस लाइन हेलीपैड पर भाजपाइयों ने किया स्वागत। सीएसी मसौदा कार्यक्रम में होंगे शरीक। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अयोध्या से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे अयोध्या। चंदौली में दीवार गिरने से मजदूरों की मौत। 4 मजदूरों की मलबे में दबे होने की आशंका। घटना के बाद ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस। बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर गांव की घटना। लखनऊ में मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। राशन न मिलने की शिकायत लेकर पहुंची वृद्ध महिला। जिलाधिकारी ने तत्काल अफसरों को दिए निर्देश। राशन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वृद्धजनों को नहीं होने दी जाएगी कोई भी असुविधा।
सिराजगंज से बड़ी खबर। लूट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कारतूस और चोरी की बाइक की बरामद। आरोपी के पास से नकदी भी हुई बरामद। गोरखपुर और कुशीनगर में लूट की घटना को दिया था अंजाम। सिदूरिया थाना क्षेत्र के चिलूटा का मामला। रायबरेली में दबंगों ने नहीं रहे पुलिस का भय। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। खुलेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मिलेरिया थाना क्षेत्र की है घटना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।